जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थक नहीं रही, वहीं बेटियों के साथ सरेआम दुष्कर्म किया जाता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उल्टा शिकायतकर्ता को डांट रही है। एक गांव में मार्केटिंग करने गई सेल्स गर्ल के साथ दुष्कर्म के मामले की वीडियो वायरल हो गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गांव के ही पूर्व सरपंच पुलिस को शिकायत दे दी है, लेकिन 5 दिनों पहले दुष्कर्म की शिकायत दी थी। अभी तक भी पुलिस ने गैंग रेप के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। गाँव में एक लड़की सामान बेचने के लिए आई थी और उसके साथ राम त्यागी, श्याम त्यागी, सनव प्रिंसिपाल, अंकपुर सनव मोहनलाल, तीन आदमियों ने एक आदमी श्याम दिख रहा बलात्कार कराया, रेप कराया उसके साथ। और मैंने एसपी साहब को मिलकर 5-7 आदमियों ने दरखास्त दीन के खिलाफ, जो उसने एसपी साहब ने डिप्टी हेडक्वार्टर को भेज दी, डिप्टी हेडक्वार्टर ने एसएचओ साहब के नाम कर दी और पर्चा दर्ज करने के लिए कहा। एसएचओ साहब ने पर्चा दर्ज कर दिया, गिरफ्तारी इसकी नहीं डाल ली। और मेरे लड़के को बुला रहा बार बार, मेरे को टॉर्चर कर रहा घर। आज सुबह मेरे घर पुलिस गई और कहा कि अपने लड़के ना लेकर आ जाओ वहाँ से, उससे पूछताछ करनी। वीडियो वायरल हुई थी, इसकी कंप्लेंट हमने मिली थी और इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? 3-4 लोगों के खिलाफ है। तो ये तक इसकी पता नहीं लग रहा, हम पता कर रहे हैं। जो जो दरखास्त के कंटेंट्स हैं सभी पहलुओं को लेकर कोशिश कर रहे हैं। एक लड़का है, वो एक नॉन लड़की है, फिलहाल उसका नाम का पता नहीं लगा, उसके साथ रेप कर रहे हैं फिलहाल। तो किसकी शिकायत पर मामला दर्ज हुआ? ये राम कुमार एक सरपंच है, धानो खेड़ी गाँव। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।